कोरोना काल के दो वर्ष बाद प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी दशहरा बड़े धूमधाम से मनाया गया, जिसमें आतिशबाजी और दौड़ का आयोजन किया गया, जिसके पश्चात रावण दहन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए, आतिशबाजी का लुफ्त उठाया और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक रावण का दहन किया गया। 51 फीट का रावण सार्वजनिक रावण दहन समिति द्वारा दहन किया गया। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। अतिथि के रूप में पुनः आमंत्रित कर रहा हूं श्री हंसराज जी पटेल, वो भी मंच पर आ जाए, उनका भी स्वागत। मनोज जी धाकड़ पार्षद देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।